मेरी आज तक की सबसे फेवरेट फिल्म हिंदी में जो है उसका नाम है लंच बॉक्स। आपने सुना भी नहीं होगा उसका नाम, शायद सुना है, देखी थी, झेली गई थी पूरी फिल्म, नहीं झेल पाई थी ना। हाँ, तो जब मैंने पिछली बार आखिरी बैच पढ़ाया था हिंदी साहित्य का, उस समय वो आई ही थी, तो मैंने उस समय उसका खूब जिक्र किया क्लास में। बच्चे मेरी बात सुनकर चले गए, फिर खूब गालियाँ दी उन्होंने, क्या क्या दिखाते रहते हो यार, कोई शर्म नहीं आती आपको तो। बहुत बढ़िया पर्दे वर्दे उसमें सब ताम झाम बहुत अच्छा रहेगा। और उसके बाद लेकिन क्योंकि जनता को लुभाना है तो बहुत गहरी और समझदारी की बात दिखाएंगे या चीप टाइप की बात दिखाएंगे? आप ये बताएं कि एक फिल्म आपने कोई सीरियस फिल्म बता सकते हैं, बहुत अच्छी फिल्म हो तो चली ना हो। पिंजर कह रहे हैं, दृश्यम, दृश्यम तो खैर चल गई थी, फिर भी दृश्यम से क्या प्रेरणा मिली आपको समाज की, क्या कर दें कि बेटी का मामला है तो दफन कर देना चाहिए सारे दुश्मनों को? अच्छा, मैं ऐसी फिल्म की बात करूं जो बड़ी आर्ट फिल्म है आपका, धोबी घाट, ठीक है, आमिर खान की नहीं, किरण राव की है, उन्हीं की पत्नी है। अच्छा, आमिर खान तो प्रोड्यूसर उसमें थे ना भाई, बीच में छोटा सा जिक्र उनका है, पर फिल्म किरण राव की है। अगर पत्नी कुछ करे तो पत्नी का नाम बोल देना चाहिए, मिसेस आमिर खान की फिल्म ऐसे नहीं बोलते हैं, किरण राव की फिल्म है। तो वैसी और बहुत सारी फिल्में, एक जैसे एक फिल्म आई थी सिटी लाइट्स नाम की फिल्म आई थी, बहुत बढ़िया फिल्म थी, नहीं चली। मेरी आज तक की सबसे फेवरेट फिल्म हिंदी में जो है उसका नाम है लंच बॉक्स। आपने सुना भी नहीं होगा उसका नाम, शायद सुना है, देखी थी, झेली गई थी पूरी फिल्म, नहीं झेल पाई थी ना। हाँ, तो जब मैंने पिछली बार आखिरी बैच पढ़ाया था हिंदी साहित्य का, उस समय वो आई ही थी, तो मैंने उस समय उसका खूब जिक्र किया क्लास में। बच्चे मेरी बात सुनकर चले गए, फिर खूब गालियाँ दी उन्होंने, क्या क्या दिखाते रहते हो यार, कोई शर्म नहीं आती आपको तो। तो मेरे हिसाब से तो हिंदी में उसकी फिल्म आज तक नहीं बनी है, पर चलनी नहीं ही थी, मुझे पता था वो ऐसी भयानक पिटी भारत में, लेकिन यूरोप में चल गई, वहां उसने खूब बिजनेस कर लिया, जब ट्रांसलेशन हुआ भारत में नहीं चल पाई।